नमस्ते एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल कैसे हैं आप सब आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी एक बहुत ही अमेजिंग ब्लीचिंग फेस पैक जो आपके फेस से जितना भी डर्ट है गंदगी है उसे ही नहीं बल्कि जितना भी डार्कनेस है पिगमेंटेशन है उसे भी रिमूव करेगा दैट वॉज वेरी नेचुरली विदाउट एनी साइड इफेक्ट्स बट बिफोर दैट इफ यू आर न्यू टू माई चैनल यू आर वॉचिंग रैबीज फैशन एंड आई एम सोनाली डोंट फॉरगेट टू हिट ऑन द सब्सक्राइब बटन एंड ऑन द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपलोड्स ओके यहाँ पर मैंने लिया है एक पोटैटो इसको आपको अच्छी तरह यू नो हाफ ऑफ द पोटैटो आप पील ऑफ़ कर लीजिए एंड उसको हम ग्रेट कर लेंगे आप यहाँ पे छोटे छोटे पीसेस पे कट करके ग्राइंडर का भी यूज़ कर सकते हैं मैंने यहाँ पे नॉर्मल ग्रेटर का यूज़ किया है आप ऐसे भी कर सकते हैं ठीक है हमको ये जो मैश्ड पोटैटो है वो हमको यहाँ पे यूज़ करना है अबाउट वन टी या फिर वन एंड हाफ टी स्पून इज़ अनाफ़ फॉर दिस अगर आप ज़्यादा क्वान्टिटी में बनाना चाहते हैं देन आपको रेशियो हर एक इन्ग्रीडियन का रेशियो भी आपको यू नो इनक्रीज़ करना होगा नेक्स्ट जो इन्ग्रीडियंट हम यहाँ पे ऐड करेंगे दैट इज़ वन टी स्पून ऑफ़ राइस फ्लावर एंड वन टी स्पून ऑफ बेसन इन दोनों इन्ग्रीडियंट्स को मिक्स करेंगे थोड़ा सा इसको मिक्स कर लेंगे इन सारे इन्ग्रीडियंट्स को मिक्स करने के लिए मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी रॉ मिल्क यहाँ पे आपको रॉ मिल्क ही यूज़ करना है डोंट यूज़ बॉइल्ड मिल्क और चिल्ड मिल्क यूज़ करेंगे तो आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेगा ओके समर सीजन आ गया है तो अगर आप चिल्ड मिल्क यूज़ करोगे तो आपको भी अप्लाई करने में बहुत अच्छा लगेगा और एक चीज़ का अगर आपको डेयरी प्रोडक्ट से किसी भी तरीके का एलर्जी है या फिर आपको सूट नहीं करता आप यहाँ पे नॉर्मल रोज़ वाटर यूज़ कर सकते हैं या फिर अगर आपको रोज़ वाटर भी सूट नहीं करता देन आपको नॉर्मल वाटर यूज़ करना है थोड़ा सा ही वाटर यूज़ करना है जैसे मैंने यहाँ पे यूज़ किया है ओनली टू टी इज़ एना मैंने जितना क्वांटिटी लिया है यहाँ पे एंड वी आर गोइंग टू मिक्स दिस प्रॉपरली कोई भी लम्ब नहीं रहना चाहिए ठीक है अच्छा सा एक सॉफ्ट सा पेस्ट बन जाए तो हम इसको यूज़ करेंगे अपने फेस पे फेस पे अप्लाई करने से पहले जैसे मैं हमेशा कहती हूँ फ़ेस वॉश यूज़ कीजिए या फिर कोई भी नेचुरल क्लेंज़र यूज़ कीजिए मैंने अपने चैनल पे बहुत सारे फेस वॉशेस का रिव्यू शेयर किया है प्लस कैसे आप घर पे नेचुरल क्लींजर बना सकते हैं वो भी मैंने आप लोगों के साथ चैनल पे शेयर किया है तो आप ज़रूर ट्राई कर सकते हैं वो भी अगर सब कुछ आप नेचुरल ट्राई करना चाहते हैं देन यू कैन ट्राई ऑल दिस नेचुरल फेस पैक एंड नेचुरल क्लेंज़र्स फेस पैक को अप्लाई करने से पहले अपने फेस को अच्छी तरह वॉश कर लीजिए जैसा मैंने कहा एंड आई हैव स्टार्टेड अप्लाइंग इट थोड़ा सा फिंगर्स के हेल्प से इसे मिक्स कर लीजिए एंड स्टार्ट अप्लाइंग इट ओके यहाँ पे मैं अपने फिंगर्स के हेल्प से अप्लाई कर रही हूँ अगर आप चाहो तो ब्रश का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं बट एज ऑलवेज आई प्रेफर टू यूज़ माई फिंगर्स क्योंकि इसके बाद हमें थोड़ा सा अपने फेस को मसाज करना है ओके okay. यहाँ पे मैं मैंने यूज़ किया है राइस फ्लार जो एक्सफोलिएशन का कम माल का, का काम करता है नेचुरल है कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं होगा ठीक है एंड अनदर थिंग गाइस एज़ हमने यहाँ पे राइस फ्लार यूज़ किया है राइस फ्लावर थोड़ा सा यू नो रफ़ होता है तो आपको बहुत जेंटल जेंटली आपको मसाज भी करना है अप्लाई भी करना है काफ़ी ज़्यादा जेंटली ऑन योर स्किन ठीक है आपके फेस में जितना भी गंदगी है डर्ट है उसे तो जरूर रिमूव करेगा साथ ही साथ जितना भी यू you नो know, जो पोर्स में जो डर्ट रहता है उसे भी रिमूव करेगा वाइटनिंग में बहुत हेल्प करता है राइस नेक्स्ट हमने यहाँ पे यूज़ किया है बेसन बेसन एक नेचुरल एक्सफोलिएटर है जो आपकी स्किन से जितना भी डेड स्किन सेल्स है उसे रिमूव करेगा प्लस आपके स्किन में अगर एक्सेसिव हेयर ग्रोथ है उसे भी ये कंट्रोल में लाएगा ठीक है आपके फेस में अलग से ग्लो प्रोवाइड करता है साथ में हमने डाला है यहाँ पे एक ब्लीचिंग एजेंट दैट इज़ पोटैटो पोटैटो जो हमने मैश पोटैटो यूज़ किया है वो आपके स्किन में जितना भी पिगमेंटेशन है डार्क स्पॉट्स है उसे रिमूव करेगा टैनिंग का प्रॉब्लम है उसे रिमूव करेगा पिंपल्स के बाद जो रह जाता है ना डार्क स्पॉट्स ऑन योर फेस या फिर ब्रेकआउट्स के बाद उसे भी ये रिमूव करने में बहुत हेल्प करता है हमारे अंडर आइज़ में या फिर अराउंड और माउथ एरिया नोज़ एरिया बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन हो जाता है ब्लैकिशनेस एक आ जाता है तो उसके लिए आप यहाँ पे मैंने यहाँ पे पोटैटो यूज़ किया है जो ये सारे पिगमेंटेशन को बहुत ही ईजिली रिमूव कर देगा एज इट इज़ अ ब्लीचिंग एजेंट डाइज हम ये वाला जो फेस पैक है ये हम एवरी डे यूज बिल्कुल भी नहीं करेंगे एटलीस्ट आप थ्री टाइम्स अ वीक यूज करो आपको अमेजिंग रिजल्ट देखने को मिलेगा लास्ट में हमने ऐड किया है यहाँ पे रॉ मिल्क जो आपके फेस जिसमें होता है लैक्टिक एसिड ठीक है लैक्टिक एसिड आपके फेस में से जितना भी डर्ट डर्ट छोड़िए जितना भी यू you नो know, एक डार्कनेस बिकॉज ऑफ डर्ट या फिर पल्यूशन की वजह से ठीक है वो जो डार्कनेस होता है वो रिमूव हो जाएगा नाउ वंस वी आर वंस वी आर डन हमको रखना है इसे अपने फेस पे फॉर एटलीस्ट फाइव टू सेवन मिनट्स उससे ज़्यादा मत रखिए बिकॉज इसमें हमने डाला है एक ब्लीचिंग एजेंट ठीक है एंड देन वी आर गोइंग टू वॉश आर फेस कैसे वॉश करना है आपको नॉर्मल पानी से आपको वॉश करना है साथ ही साथ आपको थोड़ा सा स्क्रब करना है ठीक है एंड वी आर डन आप देख सकते हैं इमीडिएटली आपको एक अपने फेस पे ग्लो दिखेगा थ्री टाइम्स अ वीक इज एब्सोल्यूटली फाइन सेंसिटिव स्किन पीपल कैन ऑल्सो यूज इट बट ऑफकोर्स अगर आपको बहुत ज़्यादा ये यू नो रफ लगता है देन डोंट यूज इट बिकॉज इसमें ब्लीचिंग इफेक्ट है एंड सॉरी ब्लीचिंग एजेंट है प्लस इसमें है राइस uh, फ्लार तो थोड़ा सा रफ हो सकता है देन आई वोंट रिकमेंड इट अदरवाइज इट्स अ वेरी 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 बिग यस to all types of skin to all genders okay i hope you liked it guys i will come up with another video till then bye bye take care and love you all